बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव इन विद पादमी। एंड टुडे माय टॉपिक इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आप लोगों के काम का है। हम आपको बताएंगे आज टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस को हम जो है पैसे में कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और दुआई ख्वाहिशी, और उसके बाद जो है हमारे जो भी है इंपरेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वो मैं सब आपको बताऊंगा कि वो कैसे चेंज हो गए पैसे में। तो पहले मैंने आप अपना उठाया है टू ऑब्जेक्ट्स वाला जो है टॉपिक। तो टू ऑब्जेक्ट्स वाला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ पादमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल को ऑल कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँच सके। तो टू ऑब्जेक्ट्स सेंटेंस, तो हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस है अली गिव्स मी ए पेन। इसमें इस सेंटेंस जाहिर सी बात है ये एक्टिव का सेंटेंस है, पर इसमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसे कि अली जो है हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद गिव्स हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए जो है यस आता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस या फाइनल टेंस हो जहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें तो उसके आखिर में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म के आखिर में हमारा एस या ई एस जो है यूज करेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट जो हो वो थर्ड फॉर्म में हो। तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि हम इस दो जो है ऑब्जेक्ट वाले टेंस को सेंटेंस को कैसे चेंज करें। तो हमारे यहाँ पे जो मी ऑब्जेक्ट है और ए पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले हमने आपको बताया था कि हम जो है पैसे में चेंज करें तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ जाएगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट को उठाएंगे ए पेन को उठाया हमने और नीचे रखा, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज गिवन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, तो गिवज एंड गिवन जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो टू मी टू का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद जो है मी आ जाएगा, और बाय का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद में अली जो है अली में है, नाम जो है चेंज नहीं होता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो पैसे में चेंज हो गया है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने हमारे जो है सेकंड जो है सेंटेंस है यू गिव अहमद एन एप्पल, तो हम इसको भी ऐसे ही चेंज करेंगे एन एप्पल इज गिवन टू अहमद बाय यू। तो ये हमारे जो है तो टू ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस चेंज होते हैं पैसे में। तो हमारे यहाँ पे थ्री सेंटेंस है अहमद टेक्स मी ए कप ऑफ टी एक्टिव, तो हम इसको पैसे में चेंज करेंगे तो पैसे में अ कप ऑफ टी इज टेकन टू मी बाय अहमद। तो ये जो हमारे थे ये कुछ टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस थे। तो मैंने आपको बताया था कि टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस भी जो है पैसे में चेंज हो जाएंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक है सिंपल कमांड्स। यहाँ पे जो है कुछ रिक्वेस्ट कुछ अर्ज और जो है अर्ज करता है और जो है कुछ बताते हैं इसको वो सेंटेंस जो है कैसे चेंज होंगे। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला हमारा नंबर सेंटेंस है क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करना, ये जो है ऑर्डर कर रहा है, तो एक्टिव का सेंटेंस है। तो हम इसको पैसे में चेंज करेंगे लेट द विंडो बी क्लोज। तो ये पैसे में कैसे चेंज होगा, तो पैसे में जो है इसका जो है ऑलरेडी यही इसका स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जब हम सिंपल कॉमर्स के सेंटेंस को पैसे में चेंज करेंगे तो हमारे जो है पहले लेट आएगा आ जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्लस में बी का इजाफा किया जाएगा और जो है क्लोज
क्लोज्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा है, तो ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये एक्टिव का सेंटेंस है, जाहिर सी बात है, ओपन द डोर। तो हमने यहाँ इसको ज्वाइन किया, लेट द डोर बी ओपन। हमारा तीसरा नंबर जो है ये सेंटेंस है, कर दी। तो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे पैसे में, तो लेट दी बी कट। तो ये हमारे जो है कुछ सेंटेंस हैं सिंपल कमांड्स के, जो ये ऐसे ही तरीके से, ऐसे ही जो है रास्ते से चेंज होंगे। तो मैं आपको बताया बताया मैंने, तो कुछ टीचर्स ये नहीं बताते हैं, ये सिंपल कमांड्स टू ऑब्जेक्ट्स और उसके बाद जो है ये नहीं बताते हैं। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसमें जो है सिंपल कमांड्स में रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट, और उसके बाद में जो है रिक्वेस्ट आता है किसी को ऑब्ज करना, और उसके बाद ऑर्डर, और उसके बाद जो है अर्ज आता है, रिक्वेस्ट आता है। तो ये सब आते हैं इसमें सिंपल कमांड्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस शुरुआत में लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी, और वर्ब का जो है आखिर में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारे जो है पैसे में चेंज हो जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंस जो पैसे में चेंज हो गए थे। तो वो इस अपनी जो है तरीके से होते थे, जो है टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस, और उसके बाद सिंपल कमांड्स। और जो है कल हमारे जो क्लास होगा उसमें हम जो है वो वाले सेंटेंस पढ़ेंगे, WH क्वेश्चन। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं दूसरे जो है क्लास में बताऊंगा, कल बताऊंगा। तो वो वाले कैसे चेंज होते हैं सेंटेंस, WH क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं, और वो क्या है, मैं सब वो आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद बादामी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल को ऑल कर दें, और लाइक कर दें, ताकि बेल को ऑल कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लर्न विद बादामी।